Be thankful for hard times, for they have made you. Hi champs, आज हम इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है डीसी पांडे का, और इस क्वेश्चन को हम लोग मिनिमम टाइम में करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे हम 15 सेकंड में करें, कैलकुलेशन पार्ट को छोड़ के. इससे पहले हम स्टार्ट करें अपना ये टाइम, सबसे पहले मैं कुछ ब्रीफ जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है उसका करना चाहता हूँ. ये जो कैपिटल मास है एम और ये स्मॉल मास एम है, इन दोनों का एक्सेलरेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था और वो किस तरह डिपेंडेंट था ये हम लोगों ने देखा था वहाँ पे. हम अब जो याद करने की चीज़ है वो बता रहा हूँ. डिटेल एनालिसिस हमने पिछले वीडियो में की थी, तो ये देखेंगे कि ये कैपिटल मास में कितने स्ट्रिंग्स हैं. 1, 2, 3, 4 और ये 5 स्ट्रिंग्स हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेलरेशन 5 टाइम्स कम होगा और इसका ज़्यादा होगा. इससे किससे 5 टाइम्स कम होगा? ये स्मॉल पार्ट से. अगर हम इसका एक्सेलरेशन a ले लेते हैं और तो इसका एक्सेलरेशन मुझे 5a लेना पड़ेगा. ये चीज़ हमने फुल डिटेल में लंबी वीडियो में बड़ी स्लोली डिस्कस की है. अगर आपने वहाँ पे नहीं देखा है तो पिछले उस वीडियो को देखिए. ये एक छोटा सा कंसेप्ट हमने लिया, फाइव स्ट्रिंग से तो ये 5a हो गया और ये a हो गया. ये एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए. इस छोटे से कंसेप्ट से हम लोग अब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट? तो चलो अपना वो स्टार्ट करते हैं टाइमिंग. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लिखेंगे ये FBD देखेंगे. ये हमारा मास MG है और ये स्ट्रिंग यहाँ से FBD कट किया तो 5T ऊपर की ओर आएगा. ये सब यहाँ से कट हो गया, राइट? और यहाँ इसको भी हम काट देते हैं तो ये सब अलग हो गए. अब एक्चुअली में टाइमिंग स्टार्ट करते हैं. ये हो गया हमारा, सपोज़ कर लें ये नीचे आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ MG माइनस 5T इज इक्वल टू M इंटू A. और स्मॉल मास पे अगर लगाते हैं हम, ये ऊपर की ओर आएगा तो ये T माइनस MG इज इक्वल टू M इंटू 5A. अब यहाँ से इसमें T की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, दैट इज़ MG माइनस 5, दैट इज़ MG प्लस 5MA इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A. और यहाँ से हम लिखेंगे MG माइनस 5MG इज इक्वल टू 25M प्लस MA. सो A इज इक्वल टू M माइनस 5M डिवाइडेड बाई 25M प्लस M इंटू G. निकल गया एक्सेलरेशन. और ऑब्वियस है ये कैपिटल मास का हुआ और स्मॉल मास का, अगर ये कैपिटल मास का हुआ है और स्मॉल मास का अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन तो वो आएगा 5 times ऑफ दिस m माइनस 5m अपॉन 25m प्लस कैपिटल m, राइट? अब रह गया टेंशन. अब तो सिंपल कैलकुलेशन है. यू कैन पुट एनी दिस इक्वेशन, टू ऑफ द इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी है, ये और ये. यहाँ पे हम लोग नीचे वाले पे रख देते हैं, दैट इज़ टी इज इक्वल टू MG प्लस 5M और A की वैल्यू हम लोग ने निकाल रखी है, दैट इज़ M माइनस 5M डिवाइडेड बाय G रह गया G और ये हो जाएगा 25M प्लस कैपिटल M. और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे. इट विल बिकम G आप कॉमन ही ले लो तो हो जाएगा 25M स्क्वायर प्लस MM प्लस 5MM माइनस 25M स्क्वायर डिवाइडेड बाय
25m प्लस m, अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 6mm, तो यहाँ लिख देते हैं टेंशन, दैट इज़ T इज इक्वल टू 6mm अपॉन 25m प्लस m इंटू जी। ये हमने निकाल लिया टेंशन भी, स्ट्रिंग एक है, टेंशन शब्द का होगा एक ही होगा। इस क्वेश्चन को हमने इतने कम समय में किया, कैलकुलेशन टाइम अलग करके, और मेरा हाथ हमारे इस टैब पे थोड़ा स्लो चलता है। यू कैन सॉल्व विद इन 15 सेकेंड इन योर कॉपी और नोटबुक। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और जानकारी ले लें। ये हमारा ए है, ये 5A क्यों है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमने जो फंडा पिछली वीडियो में बताया था, एक बार फिर यहाँ बताते हैं। ये 5T है, सब टी ऊपर की ओर है, यहाँ भी टी ऊपर की ओर है, तो हम ये वर्क डन हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दैट इज़ 5T इंटू एक्स वन कैपिटल मास प्लस टी इंटू एक्स एम मस्ट बी इक्वल टू 0। दोनों टी की डायरेक्शन एक ही है, अब टी कैंसिल हो गया तो ये हो गया 5XM प्लस XM इज इक्वल टू 0। दो बार आप डिफ्रेंशिएट करोगे, यू विल गेट 5A कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस A, ये आ गया रिलेशन। इसकी डिटेल एनालिसिस हम लोग ने पिछली वीडियो पे देखी है। नेगेटिव साइन हम लोग ने यहाँ कंसिडर यहाँ कर लिया है, क्योंकि एक ऊपर लिया है, इसको नीचे लिया है, तो इसको डाउन ऊपर लिया है, राइट? तो इस इक्वेशन को कंसिडर करके हम लोग ने ये दो इक्वेशन लिखी थी और ये आंसर आ गया। दो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर आपके लिए बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो आज इसी प्रॉब्लम की बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे। अगर आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरा पूरा वीडियो देखिए। कोई भी वीडियो हो कंप्लीट, ठीक है, स्लो होता है, पर पेशेंटली आपको देखना है, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ते हो, क्लास में पढ़ते हो, इतनी स्लो इतने धीरे कॉन्सेप्ट से नहीं वहाँ पढ़ाया जाता, क्योंकि उनको कोर्स कंटेंट को कंप्लीट करना होता है विद इन लिमिट। तो आप इस मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए और पेशेंटली देखा करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। बाय बाय, सी यू।